नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं मुरदारा डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ ब्लॉकचेन के गांव दहेलियापुर की, जहां 18 अगस्त की रात में कुछ अराजकों ने यहां मंदिर में स्थापित देव प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया था, खंडित कर दिया था। कुछ प्रतिमाओं को मंदिर के बाहर निकाल कर फेंक दिया था। एक शिवलिंग को पत्थर से कुचल कर ध्वस्त करने का प्रयास किया था। इसी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। लगातार कार्रवाई ना होने के बाद आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। आज ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर अलीगंज ब्लॉक में आकर एसडीएम और सीओ को ज्ञापन दिए, अपनी मांग रखी कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती है तो अनशन करेंगे, धरना देंगे, आगे रणनीति बनाकर इस पर काम किया जाएगा। इसके बाद में अलीगंज विधायक सतपाल सिंह राठौर से भी मिले, वहाँ भी अपनी मांग रखी कि इस पर कार्रवाई कराई जानी चाहिए। हमारे ग्राम दहेलियापुर में 18-19 की रात को इसी में अगस्त महीने में आज से 4 दिन पहले पुराना शिव मंदिर है उसकी मूर्तियां थोड़े बाहर डाल दी और हमारे जो शिवलिंग है उनको खंडित कर दिया, ईंटों से मारा है। आज 4 दिन हो गए हैं, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं ली। मैं गांव का प्रधान हूँ, प्रधान होने के नाते हमारे ऊपर बहुत भारी दबाव है पब्लिक का, चारों तरफ सभी ग्रामीणों का, क्षेत्र के ग्रामीणों का, कि अभी तक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है तो आप धरना प्रदर्शन करें। आप माननीय मुख्यमंत्री, हम सभी ने निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री के बाद ज्ञापन हम दे रहे हैं और 2 दिन का समय है प्रशासन के लिए, आप खुलासा करें। अगर नहीं करते हैं तो हम सभी ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या मांग की गई है ज्ञापन? हमारे यही है कि जो भी इसमें दोषी गए, आप अपने सर्विलांस के माध्यम से, अपने मुखबर के माध्यम से, जैसे भी जो भी हो, जो दोषी गए जिन्होंने हमारी आस्था पर चोट की है, हमारे आस्था पर चोट की है, हमारे सनातनियों पर चोट की है, उनको पकड़ा जाए। दहेलिया के रहने वाले एटा कासमिन के विभाग संयोजक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। आज आपने ज्ञापन दिया कि मांगों को लेकर आपने ज्ञापन? नहीं, मैं अभी एटा था जब मुझे सूचना मिली तो मैं गांव आया। हमारे यहाँ ये 100 वर्ष पुराना शिव मंदिर था तो कुछ अराजक तत्वों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के जो विरोधी थे, वो वहाँ पहुँच कर उन्होंने शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ा, बाहर फेंका और हम लोगों की आस्था पर उन्होंने चोट की। मुझे गांव आकर ये भी पता लगा कि गांव वाले लोगों ने, प्रधान जी ने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं कोई किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है आकर मुख्यमंत्री जी के लिए, एसडीएम के माध्यम से। बस ये उनको जो दोषी हो उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। गलत तरीके से उसको पकड़ के जेल भेजा गया, उससे आपको मालूम है ना मुकदमा पंजीकृत जी कॉपी आपको नहीं है तो मिल दिलवा देंगे और बाकी हर तरह से जो संभव प्रयास है हम करेंगे और हम लगे हुए हैं कुछ मंदिर में फिर से पूजा अर्चना और अच्छे से धूमधाम से हो जी, गाँव वालों के सहयोग से। पूजा अर्चना तब हो गई जब जिन लोगों ने अपनी कृत किया है उसमें पैसे रखे थे वो नहीं ले गए और तांबे का रखा था 2 किलो का वो नहीं ले गए, केवल उनका उद्देश्य था मूर्तियाँ तोड़ना। हम दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कराने फिर तोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम वहाँ पे एक अलग से विशेष तरीके से सुरक्षा का भी हम वहाँ पे करवाएंगे, ठीक है, कुछ दिनों तक, और जो किया है उसमें भी बस वो ही करेंगे। तो इस चीज़ों का आप निश्चिंत रहिए और महादेव का आराम से आप लोग मतलब कीजिए पूजा अर्चना और बाकी हम पे छोड़ दीजिए, दिया होगा जेल जाएगा और ढंग से इसको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।